मैं इसमें डाल दूंगी ओरियो बिस्किट, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि ये ओरियो मिल्क शेक है। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ओरियो मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो फ्रेंड देख लीजिए ये ग्लास कितना अच्छा लग रहा है नीचे से, देखिए आप इस तरह से आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल राधिकास किचन में। डियर फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरियो मिल्क शेक, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 ओरियो बिस्किट ले ली है, इसमें से मैं एक निकाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए, और एक गिलास दूध लिया है मैंने। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक बिस्किट मैं बाहर निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, इसके बाद सारे बिस्किट को मैं छोटे छोटे टुकड़े में करके मिक्सर जार में डालती हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 चम्मच शक्कर, देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, मैं 4 चम्मच ही डाल रही हूँ। ओके आपको जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना डाल सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी, अब इसको ग्राइंड करूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा पहले डालूँगी। ये मलाईदार दूध है एकदम, दूध ठंडा होना चाहिए क्योंकि हम मिल्क शेक बना रहे हैं ओरियो मिल्क शेक। तो अब मैं ग्राइंड करके मैं दूध थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ध्यान रहे दूध बहुत ज़्यादा मत डालना आप इसको ग्राइंड करते समय, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ओके, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से सोक कर लेगा। इसके लिए मैं दूध थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा और डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके, बाकी का दूध हम बाद में मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ग्राइंड कर ली है, मैंने इसमें, मुझे मलाई बहुत पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ी मलाई भी ऐड की थी। तो ग्राइंड करते समय देखिए ऊपर आ गया है मलाई, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये। और मैं इसे 2-3 बूंद डाल रही हूँ वेनिला एसेंस, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन टेस्टी लगता है। अगर आपके पास वेनिला आइसक्रीम है तो वो ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और दूध, थोड़ा सा, आपको अगर बच्चों को देना है तो आइस क्यूब मत डालिए, अगर बड़ों को देना है तो आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये चॉकलेट सिरप मैंने घर पे बनाई थी, अभी इसका यूज़ है और इसका वीडियो मैंने डाला है, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले जिस भी ग्लास में आपको निकालना रहेगा उस ग्लास में आप चॉकलेट सिरप को थोड़ा सा, मतलब देखिए मैं बताती हूँ, आप निकाल के अच्छे से पूरा साइड साइड में कैसे भी ऐसा घुमा दीजिए, उल्टा सीधा जैसा आपका मन करे। इससे देखने में बहुत ही, जब आप सर्व करोगे तो देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह कुछ कैसे भी, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आप बस उल्टा सीधा ऐसे ही गिरा डालिए इसके ऊपर, इसके ग्लास में। तो ये हमने ऐसे कर लिया है। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हो ये शेक ओरियो मिल्क शेक, तो आप मलाई वाला दूध मत लीजिएगा ओके। अब क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के लिए बनाना था तो मैंने, उसको मलाई भी पसंद है तो मैंने डाल दिया है। आप गेस्ट के लिए बनाओगे तो मलाई मत ऐड करना, क्योंकि वो मलाई बाद में ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए अगर आपके पास आइसक्रीम है तो आप इसके अंदर आइसक्रीम भी डाल सकते हो। अब मैं इसको चुपचाप ऐसे डाल देती हूँ, ये देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ये मलाई मलाई है, देखिए ये फुल एक ग्लास बना है। और इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपल सा काम है, मैं इसमें डाल दूँगी ओरियो बिस्किट, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि ये ओरियो मिल्क शेक है। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ओरियो मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो फ्रेंड देख लीजिए ये ग्लास कितना अच्छा लग रहा है नीचे से, देखिए आप इस तरह से आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो।